पीनट बटर ओट्स स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक जार में मैं लूँगी रोस्ट किया हुआ 40 ग्राम ओट्स, ये रोल्ड ओट्स है, और 10 ग्राम मूंगफली, इसको भी मैंने प्लेन रोस्ट कर लिया है। इसको अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में। हाफ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ये सनफ्लावर सीड्स, वन टेबल स्पून पम्पकिन सीड, ये इस तरीके का पम्पकिन सीड्स आते हैं छिलके निकले हुए, तो यहाँ पे मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। इसको अब हम एक बार मिक्सी में चला के पीस लेंगे ताकि ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में हो जाए। हाफ टेबल स्पून इसमें हमें मिलाना है पीनट बटर, तो इसको लेवल में लें, भर के बहुत ज़्यादा ना लें। इस स्मूदी को मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून हनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, हनी और गुड़ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उसके कैलोरी इंटेक में। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे दूध 250 ml, तो यहाँ पे एक फुल ग्लास मेरा ये 250 ml का है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमारी ओट्स पीनट बटर स्मूदी बनके तैयार है। ये आपको दोपहर तक एकदम फुल रखेगी। तो थोड़ा सा मेरे जार में बच गया है, उसको मैं एक आध सिप लेने के बाद फिनिश कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून जो हमने पम्पकिन सीड्स बचा के रखे थे उसको ऐसे गार्निश मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और अब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। दोपहर तक आपकी टमी रहेगी फुल। तो अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लंच में आज हम बनाने वाले हैं सत्तू की ओट स्मूदी। आपको इस 3 दिन में ओट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए आप थोड़े से ओट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में भून के रख ले रोस्ट करके, ताकि आपको 40-40 ग्राम्स बार बार ना भूनना पड़े। तो यहाँ मैंने ओट्स को रोस्ट करके रखा है, मैं इसको 40 ग्राम्स मेजर करके लेने वाली हूँ। सफिशियंट है 40 ग्राम्स, उससे ज़्यादा ओट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ 40 ग्राम्स हम ले चुके हैं ओट्स। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ये सत्तू। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि चने को भून के पीस के ये सत्तू बनाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, पेट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए भी है। थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी आपका पेट थोड़ा ज़्यादा देर तक भरे रखेगी। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सत्तू, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून और इन सबको अब हम अच्छे से एक बार मिक्स करके मिक्सी के उसमें जार में अच्छे से पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा बना लेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिए ये पाउडर फॉर्म में हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 250 ml दूध और इसको एक बार फिर मिक्स करके हमारी स्मूदी तैयार है। जब आपकी लिस्ट बनी रहेगी कि आपको दिन भर में क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, आपको उससे अंदाज़ा रहेगा कि आपने पूरे दिन भर में कितनी कैलोरीज कंज्यूम की। तो इसके लिए आप डायरी ज़रूर मेंटेन करें, जैसे घर के बजट के लिए मेंटेन करते हैं। अगर आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सीरियसली, तो आप एक डायरी ज़रूर प्रिपेयर करें कि आपको उसमें क्या खाना है, नेक्स्ट टाइम पे क्या खाना है, वो सारी तैयारी पहले से करके रखें। तो यह हमारी ओट्स सत्तू स्मूदी बन के तैयार है और इसको मैं गार्निश करने वाली हूँ 4 भीगे हुए बादाम से, जिनको मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। और अब मैं इसको अपने लंच में इंजॉय करने वाली हूँ। अब मिलते हैं रात की रेसिपी के लिए। चिया ओट स्मूदी बनाने के लिए यहाँ पे 40 ग्राम ओट्स मैंने एक बाउल में लिया है, और दिन भर से दूध बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए रात को हम दूध को स्किप करेंगे।
और ओट्स को हम पानी में सोक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो पानी इसमें इतना डालें कि जो ओट्स है वो उसमें अच्छे से भीग के फूल जाए। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे साइड में। दूसरा 1 टीस्पून चिया सीड्स मैंने यूज़ किया है। इसको मैंने शाम को 4 बजे भिगोया था। 3 घंटे या 4 घंटे में ये आराम से फूल के थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो ये 10-15 मिनट में इतना जल्दी सोख होते नहीं है, तो इसको आप दोपहर में ही सोख कर दें। और क्वांटिटी जो है इसकी वो कभी भी पर डे 1 टीस्पून से ज़्यादा ना लें। जितना इसका बेनिफिट है उतने साइड इफ़ेक्ट्स भी है, हर चीज़ लिमिट में लेना ज़रूरी है। तो ओट्स हमारे जब सोख हो जाएंगे उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ओट्स यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मैं जार जार में डालूंगी हमारे उसके पानी के साथ ही। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 80 ग्राम्स पाइनएप्पल। आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। 1/8 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/8 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे हनी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी स्मूदी बनके तैयार है। कुछ इसमें थोड़े से पीसेस रह गए हैं पाइनएप्पल के, पर कोई बात नहीं, अच्छा है, उनके चंक्स आएंगे बीच में। अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सोक किए हुए चिया सीड्स। गार्निश के लिए मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून थोड़े से चॉप्ड और थोड़े से अनचॉप्ड पम्पकिन सीड्स। और यहाँ पे आपका ओट्स चिया स्मूदी बनके तैयार है। इसको आप डिनर में एंजॉय करें, 7 बजे तक आराम से अपना जो डिनर है उसको कंप्लीट कर लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको एक बार ज़रूर लाइक करें, ट्राई करें। और मैं अब लास्ट में आपको बताऊंगी कि इन 3 दिन के बाद मेरा जो वेट है उसमें कितना चेंज आया। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मेरा वेट जो था वो 58.5 था। और मैंने यहाँ पे डिजिटल मैनुअल दोनों वेइंग स्केल पे अपना वेट चेक किया है ताकि मिस्टेक ना हो। और आफ्टर 3 डेज आप देख सकते हैं मेरा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है, 56.5। और ये मैंने दोनों मैनुअल डिजिटल पे देखा है।